हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल कैसे हैं आप लोग आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर दैट इज आई की तरफ से आए हुए पीएचडी नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे सो so, आपको इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर्स के बारे में पता होगा आपने पढ़ा होगा आई थिंक नेट के प्रिपरेशन के टाइम एंड ऑल्सो आपको इन जनरल भी मे भी पता हो सो so, आई भी एक इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है जिसे कि यू ने सेटअप किया था इस्टेब्लिश किया था राइट सो so, इन्हीं की तरफ से आया है नोटिफिकेशन और इस वीडियो में हम उसी को डिस्कस करेंगे इस इंफॉर्मेशन या नोटिफिकेशन को देखने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना होगा जो कि है आई यू सी डॉट आरईस डॉट इन सो जब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो ऑब्वियसली स्क्रॉल करेंगे एंड इसके बाद यहां पे आपको अनाउंसमेंट सेक्शन दिख रहा है इसमें आपको स्क्रॉल होती हुई न्यूज दिख रही है सो हम व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे करते हैं उससे पहले अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक कर दीजिए इसे शेयर कर दीजिए कोई व्यूज हैं सजेशन हैं तो आप कमेंट्स में बताएं सकते हैं एंड ये yes, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एज वेल सो व्यू ऑल पे हम क्लिक करेंगे उसके बाद सारे अनाउंसमेंट हमें इस पर्टिकुलर वेब पेज पे देखने को मिलेंगे इसमें ही है आई यू ए सी ऑफ पी एच डी प्रोग्राम इन आई एन बीम एक्सेलरेटर बेस्ड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इन मटीरियल साइंस न्यूक्लियर फिजिक्स एंड एक्सेलरेटर फिजिक्स तो ये है पर्टिकुलर सब्जेक्ट या एरिया एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है ठीक है ये जो रिसर्च होगी सो so, अगर आपका फिजिक्स सब्जेक्ट मेनली और इन एरियाज में इंटरेस्ट हो तभी आप इस वीडियो को देखिए क्योंकि अभी ये सिर्फ, इस है. So, यहां पे हम, so so, हम डाउनलोड करते हैं और इसे हम देखते हैं उससे पहले देखिए कोई भी इशू है आपको तो आप इस पर्टिकुलर ई मेल आई डी पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आई विल ट्राई की डिस्क्रिप्शन में ये आई डी भी हो सो येस डू चेक इट आउट एज वेल तो अब ओपन करते हैं नोटिफिकेशन सो so, ये है नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट नंबर टू 2021 ट्वेंटी वन दैन एडमिशन 2021 ट्वेंटी ऑफर्स पीएचडी प्रोग्राम इन आयन बीम और एक्सेलरेटर बेस्ड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इन मटेरियल साइंस न्यूक्लियर फिजिक्स एंड एक्सेलरेटर फिजिक्स टोटल जेआरएफ सीट्स आर सेवन तो सेवन टोटल सीट्स हैं कितनी सीट किस कैटेगरी की हैं यू की दैट इज़ अन की थ्री हैं एक ई की है एक एस की है और दो है ओ की सीट राइट अब यहाँ पे है क्राइटेरिया दैट एप्लीकेंट

और आफ्टर 2019 तो आपकी जो डिग्री हो वो 2019 में मिली हो आपको या फिर 2019 के बाद ठीक है उसके बाद है जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया है दो स्टूडेंट रिजल्ट और दो स्टूडेंट्स आर वेटिंग रिजल्ट ऑफ मास्टर्स डिग्री आर ऑल्सो एलिजिबल तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं हाउ इंटरव्यू के टाइम आपके रिजल्ट आपको शो करने होंगे उनके सामने प्रोड्यूस करने होंगे ठीक है तो इसलिए अगर आपको लगता है तब तक आ जाएगा रिजल्ट तो गुड आप अप्लाई करिए और अगर आपको लगता है डिले होगा तो आप अप्लाई मत कीजिए ठीक है देख लीजिए जैसा आपको सुटेबल लगे देन फोर्थ है एप्लीकेंट्स मस्ट हैव स्टडीड फिजिक्स एंड मैथ्स इन देयर बैचलर्स डिग्री तो बैचलर्स में फिजिक्स और मैथ्स रहा हो देन फिफ्थ पॉइंट है द एप्लीकेंट मस्ट हैव क्वालिफाइड सीएसआईआर यूजीसी नेट जेआरएफ इन फिजिकल साइंसेज ओके सो फिजिकल साइंसेज में नेट आपने क्वालीफाई किया हो सी एस आई आर नेट ये भी एक कंडीशन है ओके okay? सो so, ये फाइव ओवरऑल कंडीशन है जो कि गिवन है तो अगर आप इन कंडीशंस को फुलफिल करते हैं तो डू अप्लाई एंड ऑल्सो नेट जे आर एफ आपने दो हज़ार उन्नीस के बाद किया हो ठीक है दिसंबर दो हज़ार उन्नीस में जो हुआ था उसके बाद इस ईयर तो अभी हुआ ही नहीं है सो यस सेलेक्शन प्रोसीजर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा ऑनलाइन इंटरव्यू अभी की तो मैंशन है कि ऑनलाइन ही होगा डेट एंड टाइम आपको बाद में नोटिफाई कर दिया जाएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सो जो रिलैक्सेशन होता है यूजीसी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग वो मिलेगा एंड बाकी द स्टूडेंट्स और द स्टूडेंट्स वेट विल बी रिक्वायर्ड टू जॉइन द एच प्रोग्राम विद इन वीक ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट दे विल बी रजिस्टर्ड फॉर पी एच डी विद यू सो आप पी करेंगे या रजिस्टर जब आप होंगे पी के लिए तो आप जे से होंगे इसीलिए आपको थमनेल में दिखेगा जे भी ओके okay? सो so, आप को देख लिया आपने कि बेसिकली रजिस्टर होंगे पी एच डी विद जे एंड यू राइट देन ऑल द स्टूडेंट्स विल बी रिक्वायर टू अंडर गो कोर्स वर्क फॉर टू सेमेस्टर्स तो दो सेमेस्टर्स के लिए कोर्स वर्क होगा एंड जो भी सेलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे उन्हें हॉस्टल भी मिलेगा सो so बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें भी हैं देन हाउ टू अप्लाई सो यहाँ पर आपको लिंक दिख रहा है आपको डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक मिल जाएगा अभी एक बार ओपन करके देख लेते हैं अगर पॉसिबल हुआ तो आप अगर क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं जो भी फाइव थे तो आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन इस पर्टिकुलर ई मेल के थ्रू एंड येस उसके बाद इंटरव्यू देंगे फिर डिसाइड होगा कि आपका सिलेक्शन होता है या नहीं होता आई यू ए सी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी कॉन्सिक्वेंस furnishing टू टू or ऑफ इन करेक्ट और इनकम्प्लीट डिटेल तो अगर आप इनकरेक्ट या कुछ भी इनकम्प्लीट रहता है डिटेल तो ऑब्वियसली आप रिजेक्ट हो जाएंगे या फिर अगर आप सबमिशन में डिले करते हैं तो भी रिजेक्ट हो जाएंगे तो इसके लिए आई यू ए सी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा डेट क्या है लास्ट डेट है 25 अक्टूबर 2021 हज़ार इक्कीस साढ़े पाँच बजे तक तो 25 अक्टूबर से पहले पहले प्रॉपर सबमिट कर दीजिएगा फॉर्म दैट इज़ ट्वेंटी अक्टूबर तक तो बेटर है अदरवाइज अगर ट्वेंटी अक्टूबर को ही आपको करना है तो साढ़े बजे से पहले कर दीजिएगा ओके क्लियरली मैंशन है ऐसा अगर डिले होता है तो फिर आई एस ए नहीं होंगे और ये जो अभी प्रोजेक्ट्स थे उसकी भी डिटेल्स अगर आप चाहें तो देख सकते हैं क्लिक पे क्लिक करके तो चलिए ऑब्वियसली हम तो देखेंगे ही तो ओपन

अलर्ट है ओके एंड सुपरवाइजर का नाम भी आप देख सकते हैं ठीक है देन फोर सुपरवाइजर्स यहाँ पे हैं, फिर एक्सेलरेटर फिजिक्स जिसमें के टॉपिक को भी आप देख सकते हैं तो so ये प्रोजेक्ट्स हैं, आप इसे चेक कर लीजिए अब हम एक बार एप्लीकेशन पोर्टल को ओपन कर लेते हैं सो so येस yes, ये है पोर्टल एप्लीकेशन फॉर पीएचडी प्रोग्राम 2021 ट्वेंटी यहाँ पे आपको नेम जेंडर डेट ऑफ बर्थ नेशनलिटी एड्रेस बाकी आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देंट जे आर क्वालिफिकेशन फिर ये सारे डिटेल्स फिल करने हैं एंड उसके बाद डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड करने हैं सो so आपको एक सिंगल पी डी एफ में इस, इसी सिक्वेंस में अपलोड करना है दैट इज आपको सबसे पहले जो भी मास्टर्स और सो so पहले आप बैचलर्स की लगाइएगा डिग्री और मार्कशीट्स ओके okay? उसके बाद मास्टर्स का होगा डिग्री एंड मार्कशीट तो पहले डिग्री कर दीजिए उसके बाद मार्कशीट या प, हाँ पहले डिग्री लिखा है तो पहले डिग्री बैचलर्स की देन मार्कशीट्स फिर मास्टर्स की आपकी डिग्री देन मार्कशीट्स देन उसके बाद गवर्नमेंट इशूड जो भी सॉरी टेंथ और ट्वेल्थ का है तो पहले सर्टिफिकेट फिर मार्कशीट फिर सर्टिफिकेट फिर मार्कशीट टेंथ एंड ट्वेल्थ के उसके बाद आई प्रूफ होगा फिर कास्ट सर्टिफिकेट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स अगर आपको लगता है रेलिवेंट हो तो ऑब्वियसली आप अपने जे के भी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दीजिएगा सो so, ये yes, इसी सीक्वेंस में होगा जो अदर डॉक्टर डॉक्यूमेंट से चाहे वो जी का ही हो लास्ट में होगा ठीक है और फिर इसे आप सिंगल पी के जैसे अपलोड करेंगे एंड उसकी मैक्सिमम साइज फाइव हंड्रेड के बी ही होनी चाहिए दैट इज फाइव हंड्रेड के बी या उससे कम होनी चाहिए साइज ये है डिक्लेरेशन आपको सबमिट करना है सो so, ऐसा लग रहा है पेमेंट नहीं करनी है आपको दैट इज एप्लीकेशन फीस जीरो है बिकॉज आई नो आप पूछेंगे कमेंट्स में सो आई थिंक कि जीरो है बाकी एक बार आप जब इसे सबमिट करेंगे तो आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा कि आपको पे करना है या नहीं आई थिंक नहीं करना ओके सो दैट इज इट अपॉर्चुनिटी अच्छी अगर आप फिजिक्स से हैं अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है जो भी क्राइटेरिया लिखा था आप उसे फुलफिल करते हैं तो डेफिनेटली गो फॉर इट प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है जे के साथ होगा एंड येस yes, तो ये दैट इज इट ये था आज का वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग